नमस्कार दोस्तों, BSNL की तरफ से बहुत बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है क्योंकि BSNL ने इंट्रोड्यूस कर दी है अपनी एयर फाइबर सर्विस। अब आपको इंडिया में अभी तक सिर्फ दो ही देखने के लिए मिलती थी, या तो हम जियो एयर फाइबर की बात करें या एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम एयर फाइबर की बात करें, लेकिन यहाँ पे सच में BSNL ने जिस तरीके से अपनी एयर फाइबर सर्विस लॉन्च करी है, रियली वो पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है। कौन सी सिटी में देखने के लिए मिलती है, कौन सी स्टेट में देखने के लिए मिलती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या प्लान है और किस तरीके से आप खरीद सकते हैं, सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो में। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक दबदबा कम करने की बात नहीं है, यहाँ पे जिस तरीके से बात करी जाए तो लोगों को इंटरनेट फैसिलिटी इंक्रीज करी जा रही है बाय ब्रॉडबैंड, तो यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल देखने के लिए मिलता है। लेकिन BSNL का एयर फाइबर क्या बिल्कुल गेम चेंजर साबित होगा, एक सबसे बड़ा सवाल वो होता है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जैसे कि आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, वो अपना प्लेटफॉर्म 4-6 प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा लेता है, बट इंडिया मार्ट आपको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है मैक्सिमम सारे प्रोडक्ट पे, जहां आपको सबसे ज्यादा चीपेस्ट प्राइस में प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। रियली इससे ज्यादा सस्ता कहीं और नहीं मिलता। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे जाइए और अपने लिए एक बेस्ट डील क्रैक कीजिए। वापस आते हैं टॉपिक पे और चलते हैं सीधे लाइफ टाइम पर। रियली अमेजिंग ये होने वाली है वीडियो। लेफ्ट साइड पर आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, जैसी आप BSNL मतलब सेल्फ केयर एक एप्लीकेशन आती है, नॉर्मली आप लॉगिन कर सकते हैं इस पे, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे ये अच्छी बात है कि सारा प्लान दिखाते हैं, बाद में फिंगर स्कैन के कह रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज जो आपको देखने के लिए मिलती है, भारत फाइबर और एयर फाइबर और किस तरीके के प्लान देखने के लिए मिलते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करी जाए तो जैसे ही आप बुक करने के लिए जाते हैं तो सेक्शन को थोड़ा सा ऊपर कर ले, यहाँ पे पहले पर्सनल डिटेल मांगता है कि इस तरीके से, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है या तो आप भारत फाइबर लगवा रहे हैं या भारत एयर फाइबर लगवा रहे हैं, तो यहाँ पे और कौन कौन से सर्कल्स के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश में बात करूँ, उत्तर प्रदेश दो भागों में बांट रखा है। अच्छा, यहाँ पे हम मतलब रामपुर मतलब मेरी सिटी के अंदर भी है, तो यहाँ पे बात करी जाए तो पिन कोड डाल लेते हैं, तो ये हो गया हमारा होम एड्रेस और ये हमें प्लान देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्लान है दोस्तों वो थोड़े से अलग दिखा रहा है, क्योंकि हमने पहले उत्तर प्रदेश वाले चेक करे थे तो कुछ जगह पे प्लान अलग देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लान मुझे कुछ अलग देखने के लिए मिल रहा है। अभी मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे बात करी जाए तो 499 रुपये में स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको 30 Mbps स्पीड मिलती है, लेकिन जो डेटा मंथली मिलता है वो 3300 GB मिलता है। इस रियली अमेजिंग सबको ब्रेक कर देगा, और यहाँ पे मतलब 300 GB खत्म होने के बाद भी 4 Mbps की स्पीड आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, कॉलिंग फैसिलिटी टू एनी नेटवर्क मिल सकती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा दुविधा बस ये है कि इसमें आपको OTT बेनिफिट नहीं मिल रहे, नहीं तो इन्हें जियो को पूरी तरीके से मैं कहूंगा डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि जो आपको 30 Mbps का प्लान मिल रहा है उसमें 3300 GB डेटा मिल रहा है। यहाँ पे बात की जाए तो 699 वाला जो कि नॉर्मली एयरटेल को बीट करता है, ये है एयर फाइबर बेसिक प्लस, जिसमें कि आपको 40 Mbps की स्पीड मिलती है, 3300 GB डेटा मिलता है और 4 Mbps की स्पीड कंटिन्यू मिलती है, क्योंकि एयरटेल भी सिर्फ 2 Mbps की स्पीड देता है 1000 GB खत्म होने के बाद डेटा। जो 899 का मतलब 30, 40, 50 Mbps तक के टोटल प्लान देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन मतलब एयर फाइबर वैल्यू में आपको 3300 GB डेटा तो मिलता है, लेकिन 6 Mbps की स्पीड कंटिन्यू मिलती है 3300 GB डेटा खत्म करने के बाद। इस रियली अमेजिंग यहाँ पे हम फर्स्ट प्लान के लिए जाते हैं और ये OTP वेरीफाइड करेगा, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको दोबारा से दिखाना है। जैसे कि हम बात करें और अब हम लखनऊ जाएंगे, मतलब पहले वाले उत्तर प्रदेश में जाएंगे, और यहाँ पे हमें जाना है, हम देख रहे थे लखनऊ, ये आ गया, और यहाँ पे जो इसका पिन कोड है यहाँ पे ये कर लेंगे 18, और यहाँ से लखनऊ में कहीं पे भी हम लगा सकते हैं। एक्चुअली इतना तो चलता है, यस। तो यहाँ पे पिन कोड शायद चेंज हो गया, मुझे लग रहा है एड्रेस में, हाँ पिन कोड थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो यहाँ पे 6007 ये देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप प्लान अलग देखने के लिए मिलते हैं, यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन जैसे मेरी सिटी का नाम आया तो मैं थोड़ा सा
क्योंकि हमने जो पहले टेस्ट किया था वो इन्हीं प्लानों पे किया था। तो यहाँ पे मैं दोबारा से बता दूँ, 499 में 30 Mbps स्पीड डेटा आपको फिक्स मिल रहा है, 3300 GB। फिर आता है एयर फाइबर बेसिक प्लान जो कि 40 Mbps के 50-70 Mbps का आता है। 70 यहाँ पे एक तो 50 Mbps का है, 70 के 2 है। 70 के 2 में क्या बेनिफिट मिलता है, मतलब यहाँ पे मैं कोई बेनिफिट क्लियर तौर पर देख नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि अच्छा दोनों प्लान एक ही है, प्राइस भी एक ही है। मैं ये डबल सोच रहा था, यहाँ पे डबल मेंशन कर दिया है। फिर आपको देखने के लिए मिलता है एयर फाइबर अल्ट्रा प्लान जो कि 3,095 रुपये का, मतलब 2,995 रुपये का देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 5,000 GB डेटा दिया जाता है, 80 Mbps की स्पीड दी जाती है और उसके खत्म होने के बाद भी 15 Mbps कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस तरीके से प्लान को अब एक मतलब बात करी जाए तो पूरा फुल अपग्रेड कर दिया है। लेकिन यहाँ पे जो लोगों की परेशानी थी कि 1,000 GB डेटा बहुत कम है, तो आपके लिए यहाँ आ चुका है और आपकी सिटी में भी आ चुका है। किस तरीके से चेक कर सकते हैं आप, जिस मतलब शहर में रह रहे हैं, मुझे उम्मीद है वहाँ पे, क्योंकि भारत फाइबर मैक्सिमम मेनली सिटी में तो बिक चुका है, तो अब उसका रूप देखने के लिए मिलता है और आपको एयर फाइबर बाया BSNL भी देखने के लिए मिलता है। रियली पूरी तरीके से गेम चेंजर साबित होगा और जो आपको नई फैसिलिटी दी जा रही है वो रियली अमेजिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बेनिफिट नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको मल्टीपल बेनिफिट मिलते हैं। और जो मतलब अभी थोड़ी सी और स्टडी करेंगे और इस पर हम पूरा मतलब गैजेट लेके आएंगे जिसपे कि आपको प्रॉपर तरीके से पूरा फुल रिस्पांस मिल सके, और क्या है इसके इंस्टॉलेशन के पीछे का प्रोसेस वो भी जानेंगे, क्योंकि आपको प्रॉपर KYC करवानी होती है जो कि नॉर्मली सारे टेलीकॉम करवाते हैं। क्योंकि BSNL में अभी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये लगती है, सिक्योरिटी मनी बहुत लेते हैं, ऊपर से यहाँ पे डिवाइस नहीं खोला है कि फ्री में मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी बहुत सारी चीज़ें हिडन है, क्योंकि अब मेरी सिटी के अंदर अवेलेबल है तो मैं डायरेक्टली जाके पूरी बात कर सकता हूँ, पूरी तरीके से आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ किस किस तरीके से प्रोसेस रहेगा। क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी बात देखने के लिए मिलती है, एटलीस्ट BSNL का एयर फाइबर जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो अभी तक हमें थर्ड पार्टी टेलीकॉम कंपनियों का दबदबा दिखाई दे रहा था, अब BSNL भी एक सस्ते प्राइस में, क्योंकि 3,000 आप 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर भी रहे हैं तो आपको 3,300 GB डेटा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो OTT मसाला है वो थोड़ा सा लेक है इसके अंदर, देखते हैं किस तरीके से BSNL बेनिफिट अपने कस्टमर्स को पहुँचाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वही बनती है कि आपको एटलीस्ट अब एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल रही है, और मुझे ये और चेक करना है कि ये किस नेटवर्क पे दे रहे हैं, क्या ये 4G पे दे रहे हैं या 5G पे दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो 80 Mbps का प्लान है, क्योंकि ये तब आउटडोर कनेक्टिविटी के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा तो 4G पे भी इतनी स्पीड नॉर्मली मिल जाती है। अब देखने वाली बात होगी क्या बेनिफिट मिलता है और क्या 5G वाली वो कनेक्टिविटी मिल पाती नहीं मिल पाती, या अभी भी ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी यूज कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी BSNL बंद कर चुका है। अब देखते हैं कि क्या नए अपग्रेड आते हैं, उसके लिए आप बस एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।